हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आम एस एडिट। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो आज का वीडियो फिर से लेके आ गए एक और धमाकेदार राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग। तो सबसे पहले आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, स्टेटस दिखा देता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किया गाइस तो वो भी कर लेंगे। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम पासवर्ड देने वाले, वो भी दो स्टेप के अंदर। पासवर्ड आपको देखिए कहाँ पे मिलने वाले वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे दो अंक आ रहे होंगे, इसी जगह मैं पासवर्ड देता हूँ, हमेशा दूंगा, ठीक है, इसी जगह, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, इस वजह से हमने पासवर्ड स्टार्ट किया वापस। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, पासवर्ड इसी जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो आप सबसे पहले तो आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, तो स्टेटस देखिए पहले। तो हे गाइस, आज का स्टेटस आपको कैसे लगा? इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, स्टेप बाय स्टेप देख लेना गाइस। और इस वीडियो के अंदर हमने जो भी यूज़ किया, बिटमार्क प्रोजेक्ट, सिकेपुर प्रोजेक्ट और फॉन्ट वगैरह और वीडियो वगैरह, इस सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यूज कैसे करना, इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो यार, स्टार्ट करते चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एलाइड मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एलाइड मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो के अंदर मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम आईडी है गाइस MSEdit0, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एलाइड मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ये दो प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना, पहला रहेगा MSEdit बिटमार्क प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा MSEdit इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, और इधर गाने का नाम रहेगा। तो गाइस, इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, तो सबसे नीचे आपको सॉन्ग मिल रहा होगा। अगर इस सॉन्ग की आवाज़ नहीं आती है गाइस, तो इस सॉन्ग का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड करके ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो लिरिक्स, मेरे लिरिक्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये मेरे हिंदी के अंदर दिख रहे हैं, आपको इंग्लिश के अंदर दिखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, इसे एक बार आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डबल टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको देखिए अब भी कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे। इसका फ़ॉन्ट आपको चेंज कर लेना, ये वाला रख लेना गाइस। जैसे ये वाला फ़ॉन्ट रखोगे तो आपका लिरिक्स कुछ इस प्रकार से दिखेगा गाइस, जो बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो जितने भी लिरिक्स है ना गाइस, तो जितने भी लिरिक्स आपको, इनके सभी के आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर रखा है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो लिरिक्स के बैकग्राउंड के अंदर, आपको इसके बैकग्राउंड के अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैकग्राउंड फोटो, तो फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा। इसको फुल स्क्रीन नहीं है तो थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद में अब आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना, लिरिक्स के नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और इस प्रकार से आपको लिरिक्स के नीचे लाके इसको सेट कर देना गाइस, ठीक है। सेट कर दिया, उसके बाद में ये देखिए गाइस, ये बैकग्राउंड अभी यहाँ तक ही आपका, ठीक है ना गाइस, ये यहाँ तक ही। अब इसको आपको लिरिक्स है वहाँ तक आपको रखना होगा गाइस, आपके लिरिक्स कहाँ तक है, तो गाइस मेरे लिरिक्स यहाँ तक है, ठीक है, 8.58 सेकंड तक, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को यहाँ तक लेना होगा, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ तक आ जाएगा। अब इस बैकग्राउंड के अंदर भी आपको एक इफेक्ट ऐड करना होगा। इफेक्ट ऐड करने के लिए इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में जाना और यहाँ पे लिखना HU, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्टिंग सेटिंग पे क्लिक कर देना, उसके बाद एक प्लस यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर दे देना, इस बैकग्राउंड के स्टार्टिंग के अंदर, और स्क्रॉल करके इस प्रकार से इस बैकग्राउंड के एंड के अंदर चले जाना, ठीक है, और एक प्लस यहाँ पे दे देना। उसके बाद इसको बढ़ाना होगा आपको, कितना बढ़ाना है यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे देखिए बता दे, यहाँ पे एक हो गया, इसको थ्री कर लेना है, तो इस प्रकार से बढ़ाना है आपको। तो देखिए गाइस, ये टू हो गए, थ्री करना होगा इसको, ठीक। तो देखिए गाइस, ये थ्री होने वाला, ये देखिए गाइस थ्री हो गया। अब आप इस जो बैकग्राउंड है इसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा, जो देख सकते हो, एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ, जो बैकग्राउंड देख सकते हो गाइस, इसके अंदर कलर आ गए जो बहुत ही शानदार दिख रहा होगा। देख सकते हो गाइस बैकग्राउंड के अंदर कलर कितना शानदार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब जो लिरिक्स है इनके अंदर आपको इफेक्ट ऐड करना होगा। अभी आप देख रहे हो गाइस, ये जो बैकग्राउंड है, जो इस बैकग्राउंड के ऊपर ही ये देखिए जो लिरिक्स आ रहे हैं, तो अब आपको करना क्या होगा गाइस, इसके अंदर इफेक्ट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे ये लिरिक्स के अंदर। जैसे इफेक्ट लगाओगे तो इस बॉक्स के अंदर ये जो लिरिक्स है यहाँ पे आ जाएंगे। तो इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आपको बैक जाना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, लास्ट के अंदर चले जाना गाइस, लास्ट
जो लिरिक्स है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना है, ठीक है ना गाइस, कॉपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और लिरिक्स पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो ये लिरिक्स यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, जो एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो गाइस ये लिरिक्स यहाँ पे इसके अंदर आ गएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी लिरिक्स है इनके अंदर सभी के अंदर इस प्रकार से ये इफेक्ट पेस्ट कर देना गाइस। तो मैं जल्दी से इन सभी जो लिरिक्स है इनके अंदर मैं इफेक्ट पेस्ट कर देता हूँ गाइस। सो ओके गाइस, देखिए मैंने सभी लिरिक्स के अंदर मैंने इफेक्ट पेस्ट कर दिया। अब आगे जाओगे और आगे यहाँ से आपको बीट मार्क मिलेंगे, तो मैं आपको मेन मेन फोटो ऐड कर लूँगा और इफेक्ट बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना होगा, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देखते हो नहीं गाइस, तो इस वजह से मैं मेन मेन फोटो लगाऊंगा जहाँ जहाँ इफेक्ट लगना है वहाँ वहाँ पर, ठीक। तो फर्स्ट फोटो यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं, 8:58 सेकंड पर आ जाना, प्रेस पर क्लिक करना और मीडिया पर क्लिक करना, और यहाँ से मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी, फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक करोगे तो फोटो आ जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी गाइस। उसके बाद अगले बिट मार्क के जाके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो पीछे का स्टफ हट कर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये फोटो कहाँ तक लगा लेनी गाइस, और यहाँ तक आपको ये फोटो लगा लेनी गाइस इस बिट मार्क तक, इस प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेनी यहाँ तक, ठीक है। फोटो ऐड करने के बाद इस फोटो के अंदर आपको कौन सा इफेक्ट लगेगा गाइस, तो यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। और यहाँ पे फर्स्ट वाली फोटो रहेगी, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है वहाँ पे चले जाना गाइस, तो ये रही फोटो मेरी गाइस। फोटो पे आपको क्लिक करना है, फोटो पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, और ये इफेक्ट कितनी फोटो के अंदर लगाना है टाइमिंग देख लो गाइस, टाइमिंग रहेगा 8:58 सेकंड से लेके और गाइस इस बीट मार तक आपको जितनी फोटो आ रही है यहाँ तक आपको इफेक्ट ऐड कर लेना गाइस, ये वाला, ठीक है, एक नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना आपको 13:51 सेकंड पे, यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फोटो ऐड करना होगा आपको, तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी इस फोटो को फुल स्क्रीन करना है तो थ्री डॉट पे क्लिक करना और फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक करोगे तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा। और उसके बाद इस फोटो को आपको अगले बीट मार्क तक रखना होगा, तो इस वाले आइकन पे दो बार क्लिक करेंगे, अगले बीट मार्क पर आ जाएगा, और उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये फोटो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को आपको स्क्रॉल करके नीचे लाना होगा, तो फोटो भी इस प्रकार से होल्ड करके रखना और इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको इन तीनों लेयर के नीचे लाके इस फोटो को आपको सेट कर देना गाइस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप इस फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। अभी इस फोटो के अंदर भी आपको एक इफेक्ट ऐड करना होगा, तो यहाँ से आपको बैक जाना है और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और यहाँ पे सेकंड वाली फोटो रहेगी, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, जो अभी आपने फोटो लगाई है उसी फोटो के अंदर आपको इफेक्ट ऐड करना होगा। तो गाइस मैं उस फोटो पे चला जाता हूँ, ये रिवाइज गाइस फोटो, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद आप थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो गाइस इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा जो कुछ इस प्रकार से आएगा जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद अगली फोटो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस जो मैंने यहाँ पे करी है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको फोटो ऐड कर लेना है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद गाइस आगे जाना और यहाँ पे आपको वीडियो लगाना इस बीट मार्क पे 17:48 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे वीडियो लगाने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका वीडियो, ठीक है, फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो देखिए गाइस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद ये वाला वीडियो है, इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना, ये वीडियो एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा गाइस, इसमें कोई भी आपको कटिंग वकटिंग नहीं करना गाइस, एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी वीडियो हो जाएगी, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे इसी वीडियो पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है गाइस। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगले बीट मार्क पे आ जाओगे 24:58 सेकंड पे, यहाँ से आपको फिर से फोटो ऐड करना होगा एंड तक, ठीक है, फुल स्क्रीन फोटो। तो यहाँ पे मैं एक फोटो ऐड कर लेता हूँ, फोटो ऐड करने के लिए इसी बीट मार्क पे आ जाना, 24:58 सेकंड पे, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर आपका फोटो है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद ये वाली मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे गाइस, ये वाली, ठीक है। फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद अगले बीट मार्क पे जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको काट देना गाइस, ठीक है। इस फोटो को फुल स्क्रीन करना है तो थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक करोगे, फोटो के साइज फुल हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और यहाँ पे देखिए तीन नंबर वाली फोटो रहेगी, ये वाली तीन नंबर वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद मैं आपको जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस, तो यहाँ पे आ जाना गाइस आपको 24:58 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, और ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, 24:58 सेकंड से लेकर और लास्ट आपकी फोटो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको जितनी फोटो आ रही सभी के अंदर इफेक्ट लगा देना आपको यहाँ तक, ठीक है,
27.2 सेकंड था, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा गाइस। उसके बाद में आपको इसके अंदर बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा। बॉर्डर पीएनजी ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर है ना प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बॉर्डर पीएनजी गाइस। तो ये रहा मेरा बॉर्डर पीएनजी, बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे ये बॉर्डर पीएनजी एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस बॉर्डर पीएनजी को आपको यहाँ तक ही गाइस इसको एंड तक करना होगा गाइस। तो इसी बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करके एंड के अंदर चले जाओ गाइस, ठीक है ना, और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना तो एंड तक आपका बॉर्डर पीएनजी आ जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद ना इसके अंदर अपना लोगो ऐड करना होगा, तो फिर से स्टार्टिंग के अंदर है ना प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका लोगो है गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और देख ले तो कहाँ पे मेरा लोगो है गाइस, ठीक है, देख लेते गाइस। तो ये रहा गाइस मेरा लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे लोगो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप भी कुछ इस तरह का लोगो बनाना चाहते हो तो इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो जाके देख लेना, चैनल पर चेकआउट कर लेना, मिल जाएगा। तो इस लोगो को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना, ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लोगो को स्क्रॉल करके आपको नीचे ला ले आना यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अच्छे से इसको सेट कर देना गाइस, ठीक है। और यहाँ पे सेट करने के बाद में अब ये लोगो का लेयर गाइस यहाँ तक है, अब इसको एंड तक करना होगा गाइस। एंड के अंदर चले जाओ गाइस और इसी लोगो वाले लेयर पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये लोगो एंड तक आ जाएगा। फाइनल गाइस वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको वीडियो पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन है वो सेलेक्ट करना होगा। तो आपके फोन में जो भी सपोर्ट कर रहा है वो रख लेना। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है तो मैं 1080 रख लेता हूँ। अगर आपके फोन में 1080 सपोर्ट नहीं कर रहा तो 720p रख लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद इसको फुल कर देना, क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी को फुल करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, ये पूरी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी गाइस। उसके बाद में यहाँ पे सेव का बटन आएगा, तो सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गाइस गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।